Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. केरल की बाढ़ ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। बाढ़ की चपेट में आकर करीब 39 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। शुरुआती आकलन के मुताबिक करीब 20,000 मकान और राज्य के करीब 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 8,316 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। राहत बचाव दल 24 घंटे काम में जुटे हैं, ताकि अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा सके। इस बीच केंद्र सरकार लगातार केरल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से केरल बेहाल है। करीब 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि बारिश अभी भी आफत बनकर केरल पर कहर बरपा रही है। केरल के कुछ हिस्सों में दोबारा बारिश शुरू हो गई है, जिस कारण बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि थोड़ी राहत की खबर यह रही कि इडुक्की और इडामलाया डैम का जलस्तर थोड़ा कम हो गया है। केरल के इडुक्की वायनाड समेत 7 जिलों में 13 और 14 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 1924 के बाद केरल को दूसरी बार इतनी भयानक बाढ़ के दौर से गुजरना पड़ रहा है, जब 14 में से 10 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, जबकि बड़े बांधों के ज्यादातर गेट खोलने पड़ गए। केरल की स्थिति को देखते हुए द्रमुक नेता एमके स्टालिन ने 1 करोड़ रुपए की मदद को केरल के मुख्यमंत्री कोष में जमा कराने की बात कही है, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी भी केरल के लिए 5 करोड़ की राहत का ऐलान कर चुके हैं।